बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा। बहुत डोनाल्ड ट्रंप के जी हाँ सदर मुंतखब होने के बाद पहला बाकायदा तौर पर रद्द अमल आया है इमरान खान साहब का, और उस रद्द अमल के जो अल्फाज का चुनाव है ना सर, मैं एक बार फिर मान गया कि इमरान खान साहब को पता कौन सी बात मैंने किस जगह पर करनी है, और वो रद्द अमल ही वो ऐवान इक्तदार या ताकतवर ऐवानों के ना मेरा ख्याल है थोड़ी देर के लिए ज़रा घबराहट का वक्त हुआ जाता है। वो ऐसा मज़ेदार किस्म का रद्द अमल हुआ, एक डायरेक्ट आया है और एक इनडायरेक्ट आया है। दोनों रद्द अमल आपके सामने मैंने शेयर करने, कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, स्पेशली वो 9 नवंबर को जो सवाबी इंटरचेंज बिल्कुल इस्लामाबाद के दरवाजे के बाहर जो बहसियत सुबह खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करने जा रही है, और जो मैसेज उसके लिए सर्कुलेट हुआ उसके अंदर क्या कुछ है, उसकी तफसील क्या है, वो उससे मुतालिक मैंने आपको आगाह करना है। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हमास का पहला ऑफिशियल रद्द अमल आया, और बहुत पुरुमीद है, वो बहुत पुरुमीद है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चंद घंटों की बात की थी कि जब मैं सदर बना तो चंद घंटों में ये गजा की जो जंग है इसको मैं ख़त्म कर दूँगा। उससे मुतालिक कुछ डिटेल्स हैं, दीगर भी कुछ खबरें जो एक के बाद एक मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक मुलाकात हुई है, वो तस्वीर बड़ी मज़ेदार है, बड़ी खुशगपियाँ, बड़ी ज़बरदस्त जी मामला वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर साहब और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने बड़े खुशगवार माहौल में, और लग ही नहीं रहा था कि भाई कोई ऐसी बहस मुबाहसा, इनकी दुश्मनी तक बात चली गई है। एक ने के पी के हाउस बंद कर दिया, दूसरे ने कहा कि मैं तुम्हारा सारे बजट बंद कर दूंगा, मैं देखता हूँ नाहलियत जाहलियत और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें एक दूसरे के साथ, किसी का बाप नहीं कर सकता तो तुम्हारी जरूरत है, तो ये वो सब चीज़ें करने वाले आज इतने नॉर्मल माहौल में बैठे। वो जो तस्वीर थी ना वो इतनी मज़ेदार है, तो मगर ये तस्वीर पैगाम भी देती है जी बहुत सी चीज़ों का, इस पर बात की जा सकती है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का इस मुलाकात के हवाले से तो समझना बनता है, क्योंकि कल ही बिलावल साहब ने कदर कुट्टी की है मुस्लिम लीग नून से, और अभी दुबई में जब वापस आएंगे तो उन्होंने बकायदा इस सिलसिले में सीसी का इजलास भी बुलाया। लेकिन बहरहाल ये मुलाकात मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी का बायस हो सकती है, और कल तक जो एक दूसरे के मुखालिफ अच्छे खासे थे वो आज शेर व शुक्र नज़र आ रहे हैं, सीन बहरहाल ऐसे ही चल रहा है। तो इस सूरत हाल पर बहुत सी चीज़ें ओपन हैं, ठीक है। मैंने कहा मैं ये तस्वीर के बाद ना मुझे कम से कम इतना बताना तो आपको बनता था। इमरान खान साहब का पहला बाकायदा रद्द अमल आया जी, और ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर, और आज केसेस की समाअत थी 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत थी, आज उनकी मुलाकातें भी हुई, अली मोहम्मद खान से भी उनकी मुलाकात हुई। अली मोहम्मद खान साहब ने इमरान खान से मुलाकात करके दौरान बताया कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर, तो अली मोहम्मद खान साहब बताते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने पर इमरान खान साहब कहते हैं कि अब हमें उम्मीद है कि जो भी हुकूमत आएगी अमेरिका की वो न्यूट्रल रहेगी, यानी वो बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर अगर मुंतखब हुए तो हमें यही उम्मीद है कि जो बाइडन वाली हुकूमत वाला काम नहीं होगा, जो वो वाला वैसा किरदार नहीं होगा कि जो दूसरों की हुकूमतें गिराने के लिए यानी रिजीम चेंज ऑपरेशन में, जिस तरह जो बाइडन ने डोनाल्ड लू और ये सारे सीन को बनाया और फिर पाकिस्तानी मोहरों को सिलसिले में इस्तेमाल किया, और जो मुलाकातें सब सारी एक एपिसोड है मेरे और आपकी नज़र में, उसमें से कुछ भी अब याददाश्त से महब तो है नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानी के मुताबिक, उन्होंने कहा वो ऐसा नहीं होगा। तो इमरान खान साहब ने ये तो तहनीत भेजी, लेकिन और भी कुछ मज़ेदार चीज़ें हैं। ये पूरा इमरान खान साहब की तरफ से रद्दमल नहीं है, वो रद्दमल एक और वाया भी आया, तो वो मैं उसकी तफसील भी आपको बता देता हूँ। वो तफसील ये है, अब बहरहाल अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल एक तफसीली रद्दमल रिस्पॉन्ड डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर आना है, और इमरान खान साहब के ऑफिशियल अकाउंट से भी एक तफसीली डोनाल्ड ट्रंप साहब को मुबारकबाद या जो कुछ भी इमरान खान साहब सोचते हैं वो उन्होंने करनी है, और वो डायरेक्ट मैसेजिंग होगी ना, यानी डोनाल्ड ट्रंप उसको देखेगा भी, उससे भी बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा मुझे और आपको हो जाएगा। जबकि वसीम बदामी साहब क्या वो कहते हैं, ट्वीट करके बता रहे हैं कि मेरी अली मोहम्मद खान साहब से बात हुई है, इनकी आज इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है, तो अली मोहम्मद खान से मेरी टेलीफोन पर बात हुई, और अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब बार बार अमरीकी इलेक्शन का पूछते रहे मेरे से, जब मैंने बताया कि ट्रंप जीत रहे हैं तो उस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और कहा मेरी ट्रंप से अच्छी दोस्ती थी और उनसे फोन पर बात मेरी होती रहती थी, उम्मीद है नई अमरीकी इंतजामिया न्यूट्रल होगी। ये जुमला यूं मुकम्मल है, मेरी ट्रंप से दोस्ती थी
और मेरी वजारत उज़्मा जाने के बाद भी मेरी डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत रहती थी और खुशी का इजहार भी किया। उन्होंने कहा उम्मीद है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया न्यूट्रल होगी। ये जुमला तब है कि जो बाइडन वाली हरकत नहीं करेंगे। सिर्फ ये जो चंद जुमले हैं ना हुकूमत के घबराए जाने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत काफ़ी है यहाँ ये चीज़ें। इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुतलिक मैं एक और अपडेट दे दूँ, वो है हमास की तरफ से, फिर मैं आऊँगा दीगर कुछ और अहम खबरें कि डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर ना हमास का पहला ये रद्दमल रिपोर्ट हुआ है। हमास रहनुमा समी अबू जहरी, ये सियासी विंग के इस तरह इस्माइल हानिया थे ना सियासी विंग के सरबरा, जी हाँ ये, वो कहते हैं कि ट्रंप को उनके बयान के हिसाब से जांचा जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि बतौर अमरीकी सदर वो गजा जंग चंद घंटों में रोक देंगे और छोटी रियासत, जी हाँ सेहूनी रियासत की अंधी हमायत ख़त्म होनी चाहिए, क्योंकि ये हमायत हमारे लोगों के मुस्तकबिल और खित्ते की कीमत पर आती है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी वैसे अपनी इलेक्शन कम्पेन के दौरान कहा था कि मैं मशरिक़ वुस्ता को एक मुस्तकिल पायदार अमन की तरफ लौटते हुए देख रहा हूँ और मैंने ऐसा हल निकाला कि 5-10 साल बाद दोबारा ये मामला ना उठे। तो बहरहाल हमास ने भी कुछ उम्मीदें बांधी हैं जी डोनाल्ड ट्रंप से। बाकी अल्लाह करे ऐसा हो, अमरीकी सदर भी हो और फलस्तीन का मसला भी दिल से हल करना चाहता हो, ये सारे मामला हो, कम से कम जंग बंदी तो फिलहाल हो, ये दोनों मेरे लिए ग्रे शीट में, मैं इसको इतना 2x2 4 क्लियर नहीं करता। और ऐसे मौके पर जो घर में यहूदी भी हो दामाद की शक्ल में, मेरे लिए इतनी जल्दी आज मैं वही वाला कि उनके जेस्चर से जान जा जाएगा ना कि उनके डायलॉग से। बातें तो उन्होंने सीना वाजिद के लिए भी की थी बांग्लादेश की ड्यूरिंग इलेक्शन कम्पेन, बातें तो उन्होंने इमरान खान साहब से की रिहाई से मुतलिक भी उन्होंने की थी इलेक्शन कम्पेन के दौरान, यानी हर वोटर को छेड़ा था उन्होंने। बट सी प्रैक्टिकली क्या चीज़ें ऑन ग्राउंड है, प्रैक्टिकली जो चीज़ें ऑन ग्राउंड है वो मैं आपको बताऊँ तो अली अमीन गंडा फूट साहब की, आपको पता है इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, फिर सारे लीडरशिप की मुलाकात हुई। 9 नवंबर सवाबी इंटरचेंज जलसा, इससे मुतलिक अली अमीन गंडापुर साहब ने हम गुफ्तगू किए थे और वो कहते हैं कि 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जो जलसा होगा, यानी जलसे से मुराद ये है कि सवाबी लास्ट ज़िला है ना जी इस्लामाबाद में दाखिल होने से पहले एबर पख्तूनख्वा, यानी इस्लामाबाद के दरवाजे पर वो ये जलसा करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा बतौर सुबह हम उस दिन करारदाद पेश करेंगे, ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है। 9 नवंबर को मैं बहसियत सियासी जमात नहीं, पीटीआई की सियासी जमात नहीं, मैं बहसियत वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अपने सूबे को रिप्रेजेंट करते हुए एक करारदाद पेश करूँगा। ये जुमला बहुत सख्त है। अच्छा जी, वो करारदाद बहुत अहम होगी ये भी मैंने बोला, और मेरी ज़ाती राय ये है कि ये करारदाद बहुत ख़तरनाक भी हो सकती है, मेरी वैसे अपनी ज़ाती राय इस पर ही है, क्योंकि इधर इमरान खान साहब कह चुके हैं कि मैं जेल अंदर खुश हूँ, आवाम को फैसला करना है। ये क्या वो बाहर बैठ के खुश हैं? पुरमन एहतजाज ही एक्सटेंशन वाला जो ये सारा कहते हैं टोला, जी हाँ उससे छान छुड़ाई जा सकती है, मुल्क पे कब्जा छता, ये सारी चीज़ें मैं पिछले ब्लॉग में आपको बता चुका हूँ। तो बाहर निकले और अपना हक हासिल करें। इमरान खान साहब इधर से कह चुके हैं इसराइल यमीन गंडापुर की मुलाकात होगी इमरान खान साहब से, और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब बाकायदा तौर पर एक कैरी की कॉल की जिसे कहते हैं जहन साजी कर रहे हो, ये चंद दिनों में हो जाना, और 9 नवंबर दिस इज़ नॉट डिले, मेरा ख्याल 9 नवंबर हफ्ते को है जी हाँ, उसमें ये सब होना है। तो सवाबी में जलसा होगा तो इमरान अली अमीन गंडापुर साहब कहते हैं, और वापसी नुश्ता है, ये लफ्ज़ उन्होंने बोला है, इमरान खान फाइनल कॉल देगा और वहाँ पर वो आए जो घर वालों को बता कर आए, कफन बांध कर आए, वापसी अब कोई नहीं है। बड़े जुमले, बहुत बड़े जुमले, इस तरह की सूरत हाल का उन्होंने जिक्र किया। वो कहते हैं पीटीआई पर जो जुल्म है उससे मुतलिक करारदाद बहैसियत सुबह पेश करूँगा, ठीक है, और हम सवाबी में ही ये सारा काम करेंगे और हमें पुरमन तहरीक चलाने नहीं दी जा रही, तो उसका मतलब है नहीं दी जा रही, तो क्या बहुत सी चीज़ों पर मानी खेल है। बहरहाल बातें बहुत की, अब देखते हैं 9 नवंबर को हाथ कंगन को आरसी क्या 3 दिन बाद क्या होता है। अब वापसी हकीकी आज़ादी के साथ होगी, ये बड़े जुमले हैं, ये बड़े जुमले, इसमें इमरान खान साहब की कॉल, अली अमीन गंडापुर से मुलाकात, सलमान अकरम राजा साहब से मुलाकात, अलीमा खान साहब से मुलाकात, शेर अब्दुल मरवत से मुलाकात, इन तमाम चीज़ों के सिनेरियो में अगर ये देखें बड़े जुमले हैं। देखते हैं हफ्ते को क्या होता है।
یہاں یہ تمام چیزیں. ادھر عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں وہ حتمی مراحل میں, جس میں 190 million pounds کیس بھی جی ہو گیا جی, حتمی مراحل میں داخل ہو گیا. 35 کے 35 گواہوں پر جرا مکمل ہو گیا. عدالت نے جمعے کے روز یعنی 8 تاریخ بروز جمعہ عمران خان اور بشا بی بی صاحبہ کا بیان کلب بند کرنے کے لیے 8 نومبر کو طلب کیا ہے. یعنی معاملہ کنکویل کی طرف ہے, یعنی پھر فیصلہ ہی آئے گا, جو بھی آئے گا فیصلہ ہی آئے گا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.